हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से सूजी के लड्डू को बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज के सूजी के लड्डू बनेंगे बिना घी, तेल, मावा और चाशनी के। बिना घी, तेल और चाशनी के बनने वाले ये सूजी के लड्डू दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इस लड्डू को तो हम बिना घी तेल के ही बना रहे हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस लड्डू को बनाने के लिए हम यहाँ पर ज़्यादा बर्तन को भी ख़राब नहीं करेंगे, यानी एक ही बर्तन में हम सारे मिक्सर को बनाकर परफेक्ट लड्डू को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम मेहनत में आसानी से बनने वाली इस टेस्टी लड्डू को जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हम शक्कर को पाउडर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप जितना शक्कर को लिया है, इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाएंगे। शक्कर का मैंने यहाँ पर बारीक पाउडर कर लिया है, इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ये सूजी लिया है, ये बारीक सूजी है। आप चाहे तो ये अगर मोटा सूजी को भी यूज़ कर सकते हैं। मोटा सूजी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार मिक्सी जार में चलाकर थोड़ा सा इसे बारीक कर ले। और अभी मैंने इस सूजी को यहाँ पर फ्राइंग पैन में डाल दिया है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखा है। और इस सूजी को भुनने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर घी या तेल को बिल्कुल नहीं डाला है। इसे हमें यहाँ पर इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। सूजी को हमें अच्छी तरह से भुनना है। इसे पूरी तरह से भुनने में हमें करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर बिल्कुल स्लो पर रखकर इसे भुनना है। पहले के 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भुनेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल आपको यहाँ पर स्लो पर रखकर ही आपको यहाँ पर इस सूजी को भुनना है। 2 मिनट तक सूजी को अच्छी तरह से भुनने के बाद अभी मैंने यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दिया है। आप अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर डाल सकते हैं और उसे भी आप यहाँ पर इसी तरह से स्लो गैस पर हल्का सा भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भुनने के बाद मैंने अभी इसमें 1/4 कप जितना दूध और मलाई को साथ में डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पूरी तरह से 1/4 कप जितना मलाई को ही डालकर इसे भून सकते हैं। दूध और मलाई के मिक्सर को ऐड करते ही हमें यहाँ पर तुरंत गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सूजी यहाँ पर हल्का सा गर्म है, जैसे हम इसमें दूध के मिक्सर को डालेंगे इसमें लम्स बनने लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को भी बंद कर दिया है। अब इन सारे मिक्सर को अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और जितने भी लम्स इसमें बने हैं इसे हम स्पून से इस तरह से तोड़ लेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए हम यहाँ पर घी और मावा दोनों को ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से मलाई को डालने से आप देखेंगे इसमें घी और मावे का टेस्ट पूरी तरह से आ जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का बना हुआ है। और अभी हम फिर से सूजी को भूनना स्टार्ट करेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर स्लो पर रखा है। अभी भी इस सूजी में थोड़े बहुत लम्स है, उसे हम बीच बीच में तोड़ेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कई बार हम फुल फैट क्रीम वाले दूध को ले आते हैं, लेकिन दूध की मलाई को बच्चे खाना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। वैसे तो हम मलाई को कई और भी रेसिपीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दूध और दूध की मलाई को इस तरह से लड्डू बनाने के लिए डाल दिया तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दूध और मावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सूजी यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुका है और अभी इसमें अच्छा सा खुशबू भी आने लगा है, तो अभी हम इसमें पिसा हुआ शक्कर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शक्कर के पाउडर को मैंने यहाँ पर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें हम 1/2 कप जितना पानी भी डालेंगे। 3/4 कप जितना हमने शक्कर को डाला है तो सिर्फ 1/2 कप पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा मत पानी डालिएगा। मिक्सर में हमने पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो गया है, तो थोड़ी देर इसे हम स्लो गैस पर इसी तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सर अभी थोड़ा सा लिक्विड सा है, जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर चलाने के बाद ये मिक्सर अभी थोड़ा सा थिक हो चुका है, तो इस स्टेज में अभी हम इसमें इलायची के पाउडर को भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लड्डू का मिक्सर परफेक्ट बना या नहीं चेक करने के लिए आप थोड़े से मिक्सर को प्लेट में डालकर चेक कर सकते हैं। अगर मिक्सर में अगर थोड़ा सा भी हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी दिखने लगे तो तुरंत हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, तो मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को भी बंद कर दिया है। इस मिक्सर से अभी हम तुरंत लड्डू नहीं बनाएंगे, इस मिक्सर को हम करीब 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इससे सूजी थोड़ा सा फूल जाएगा और लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी। प्लेट को मैंने अभी हटा दिया है, सूजी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो अभी हम इस मिक्सर से लड्डू बना सकते हैं। मिक्सर अभी थोड़ा सा गर्म है तो मैंने यहाँ पर इसे स्पून से अभी चला लिया है, तो अभी इस मिक्सर से हम लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर इस मिक्सर से लड्डू बना सकते हैं। इस लड्डू को खाने के बाद इसे कोई नहीं कहेगा कि इसे हमने बिना घी के सिर्फ दूध और दूध की मलाई से बनाया है। जब भी आपके घर में दूध और मलाई बच जाए तो आप इस तरह से सूजी के लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। ये लड्डू बिल्कुल मावे के लड्डू के जितने ही टेस्टी बनते हैं।
वैसे तो आप इस लड्डू को 2 से 3 दिन के लिए बाहर रखकर खा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो इसे रेफ्रिजरेटर में ज़रूर स्टोर कीजिएगा। बाहर रखने पर ये ख़राब हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे दूध और मलाई से बनाया है। सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपके लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो हमने अलग से चाशनी बनाई है और ना ही हमने यहाँ पर घी और मावा को यूज़ किया है। सिर्फ आधा कटोरी दूध और मलाई से हमने यहाँ पर आधा किलो जितना सूजी के लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है। अब जब भी आपके घर में दूध और मलाई बच जाए तो आप भी इसी तरह से सूजी के इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। आप सबको ये लड्डू ज़रूर पसंद आएगी। बिना घी के सिर्फ दूध और दूध की मलाई से बनाए गए लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।